नमस्कार, मारुति मल्टीमीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं दुष्यंत सोनी खंडवा से आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सा लेसन लेके आया हूँ, जिसमें मैं आज आपको ऑक्टापेट पे दादरा कैसे बजाया जाता है वो सिखाऊंगा, और साथ ही एक दादरा का पेज भी आपको दूंगा। आप वीडियो के लास्ट में इस पेज को देख सकते हैं कैसे बनेगा, और यदि इसको डायरेक्टली आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरी एक वेबसाइट है maruti-multimedia.com, आप वहाँ से जाकर भी इस पेज को डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से आप इसे अपलोड कर सकते हैं आपके पैड में। यदि लोड अपलोड की तरीका आपको नहीं मालूम है तो मैंने इस चैनल पे अभी पैच को लोड करना और सेव करना सिखाया है, तो आप उसको देख करके ज़रूर सीख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि उस दादरे को हम कैसे बजा सकते हैं और किस किस वेरिएशन से बजा सकते हैं। सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊँगा आज के इस वीडियो में, और बहुत सारे बोल भी आपको समझाऊँगा कि उसे कैसे बजाया जाता है। तो शुरू करते हैं, देखिए। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं इस दादरा पैच को, इसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हमने फिल करे हैं। यदि हम चेक करेंगे, सबसे पहले पैड पर हमने i15 और i19 ऐसा एक दो इंस्ट्रूमेंट को डाला है। पैड टू पर हमने s07 और i11 इनको डाला है, ठीक है। थर्ड वाले पे हमने डाला है i08 और i08, दोनों बैंक में हमने एक ही इंस्ट्रूमेंट को डाला है। चौथे में हमने डाला है L25 और दूसरा बैंक हमारा ऑफ है, ठीक है। जो हमारा पांचवा पैड है उसमें हमने डाला है i03 और i30, ठीक है। अब हमने जो हमारा छठवा पैड है उसमें i12 और i08 ऐसा दो कॉम्बिनेट करा है, और जो हमारा सातवां पैड है उसमें i09, दोनों तरफ दोनों बैंक में हमने i09 डाला है। जो लास्ट में जो हमारा पैड 8 है, हमने i17 और i09 इसका एक थोड़ा सा कॉम्बिनेट करा है। लास्ट में आप वीडियो के पूरा एक इमेज दूंगा मैं आपको, उसमें पूरा आसानी से कि लेवल पीस डिके जो भी है उनकी वैल्यू क्या है वो आप आसानी से डाल पाएंगे। एक अच्छे से एक सही पैच जो बना है, जो मैंने आपके लिए बनाया है, उसे आप आराम से आप आपके पैड पर बना सकते हैं। लास्ट में एक इमेज आएगी, उसको भी आप चेक करें, उससे बनाइए, या डायरेक्टली यदि इस पैच को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट है maruti-multimedia.com, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो खैर हम चालू करते हैं। एक छोटा सा वादन करूँगा मैं दादरे के अंदर, फिर आपको मैं उसको सिखाऊंगा कि कैसे बजा सकते हैं। ये हमारा दो बेस मिली है जिसमें हमने एक घुमकी और एक सादा बेस लिया हुआ है। ना और तुन बोल को हमने इधर लिया है, तिट बोल को हमने कुछ सेकंड थर्ड पर डिफाइन करा है, बाकी इनका भी हम काम ले सकते हैं यदि आप चाहें तो, पर मैं यूजुअली आपको इस 6 पैड पर ही काम करना समझाऊँगा। तो सबसे शुरू करते हैं, पहले जो धा धी ना धा थी ना दादरा में बजता है वो कैसे बजता है देखिए आप। दादा 6 बीट होता है, 6 मात्रा की ताल होती है। तो पहली और दूसरी तीसरी चौथी छठवीं तक आपको 6 बोल अलग अलग होता है। फिर से देखिएगा, धा धी ना ना धी ना, मतलब ये ना के साथ हम ये बेस को लगाएंगे तो धा बन जाएगा, और इस तीन वाले जो बोल के साथ यदि हम बेस को लगाएंगे तो धिन बन जाएगा, ठीक है। धा और धिन और ना यदि सिंगल बजाना है तो ये छठवें पैड को, तो देखिए धा धिन ना ना धिन ना। ये एक सबसे सरल बोल है, अभी मैं आपको थोड़ा सा बजा कर बताता हूँ, फिर आप देखिएगा। Thank you.
करके आप एक अच्छा सा पेज बना सकते हैं। मैं आपको धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको शुरुआत में धा दीना धा तीना बजाया, अब मैं आपको एक छोटा सा इसके जो दो बोल अलग अलग लगाए हैं उसे कैसे बजाते हैं और उनकी स्पीड आप कैसे उसको मेंटेन करते हैं वो भी आपको समझाता हूँ। तो जो सेकंड बोल है वो कैसे बजेगा देखिए, धा धेना तिट ता धेना धिट, ये बोल है धा धेना तिट ता धेना धिट। तो कैसे बजेगा, धा धी ना, धा धीना हमने पहले सीखा था, धा धीना तिट, ठीक है, धा धीना तिट, धा धी ना तिट, ये हमारा पहला हाफ या फर्स्ट हाफ हुआ हमारा, धा धीना तिट, धा धीना तिट, फिर ता धीना धिट, ता धीना धिट, कैसे बजेगा शुरुआत से आप देखिए स्लो मोशन में, धा धीना तिट ता धीना धिट, फिर से देखिएगा, धा धी ना तिट, धा धी ना तिट, ये हमारा पहला हाफ है, मैंने दो बार आपको बजा के बताया, देखिए फिर से आप, धा धी ना तिट, फिर ता धी ना धी ट, लास्ट में धिट को आपको इंडिविजुअल अलग अलग धीट, बेस को हम धी से बजा देंगे, यदि इसके साथ बजाएंगे तो हमारा हाथ परफेक्टली चल नहीं पाएगा, एक लय में नहीं बज पाएगा। तो देखिए आप, धा धीना तिट ता धीना धीट, धा धीना तिट ता धीना, ये बहुत सुंदर बोल है। अब एक छोटे से उठान है, धित्ता ताता धित्ता ताता धित्ता ताता धित्ता ताता धित्ता ताता धित्ता ताता, मतलब धित को एक बार बजाना तीन बार ता को है, ये एक उठान है, आप ये बहुत अच्छे से लगा सकते हैं यदि आप इसको थोड़ा सा फास्ट लगाएंगे, ऐसा बोल यदि आप अगला बोल बजाना चाहते हैं तो इसके पहले ये बोल आपको लगाना चाहिए। ये 16 अक्षर हैं पर हमें इसको इस तरह से लगाना है कि ये पूरे 6 मात्रा में अच्छे से, धित्ता ताता धित्ता ताता धित्ता ताता, ये पूरे 12 अक्षर हैं सॉरी, और 12 अक्षर को हमें इस 6 मात्रा में लगाना है, धित्ता ताता धित्ता ताता धित्ता ताता, ठीक है। तो ये हमारा उठान हुई, अब नेक्स्ट बोल हम कैसे बजाएंगे, धा ना तू ना धातु, धा ना तू ना धातु, धा ना तू ना धातु, पहले भी मैंने ये बोल आपको सिखाया है पर एक कहरवे में सिखाया था, जब हमने धा के बाद एक स्पेस रखना होता था, इसमें बिना स्पेस का आप डायरेक्टली बस धानातु ना धातु धानातु ना धातु ये बजाना है। कैसे बजेगा, धा धा इट मीन्स नाव और पहला हमारा बेस, ये जो हमारा सिक्स पेड और फर्स्ट पेड को, धा ना तू ना धातु, धा ना तू ना धातु, धा ना तू ना धातु, ये तू या तीन एक ही बात होता है ना, तीन बोले या तुम, धा ना ती ना धाती ऐसा ही बोल सकते हैं, धा ना ती ना धाती, इसको स्लो मोशन में एक बार फिर समझ लीजिए, धा ना ती ना धाती, धा ना ती ना धाती, बहुत सरल बोल है। अब ये जो बेस है इसकी जगह आप यदि डायरेक्टली अभी घुमकी वाला बेस भी यूज करते हैं,
बहुत सुंदर लगेगा ये बेस भी, बहुत अच्छा लगेगा ये पैड भी आपको अच्छा लगेगा। अच्छा ये मतलब अलग अलग इफेक्ट पैदा करते हैं तो सुनने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो ऐसा एक आपको मैंने उठान के साथ कहरवा सॉरी दादरा बजाना सिखाया, तो ये बहुत सुंदर। मैं एक बार फिर से बजाता हूँ और फिर इस बोल को हम समाप्त करते हैं सीखने के लिए। ये वीडियो में आपको मैंने दादरा बजाना सिखाया, दादरा का पैच भी है, आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, साथ ही कमेंट्स करें, और यदि आपने इस अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी आप क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाले सारे नए वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने के लिए उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।